हाय दोस्तों, मैं हूं पायल गुड़ियाल। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से पाकिस्तान जिस तरह से बौखलाया हुआ है और लगातार भारत में आतंक फैलाने की कोशिश में लगा हुआ है, उससे देश में हर तरफ ये मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं इससे बिग बॉस का घर भी अछूता नहीं रहा और वहां पर भी कश्मीर को लेकर गर्मा गर्मी शुरू हो गई, वो भी पहले ही एपिसोड से। ये तो आप जानते ही हैं कि बिग बॉस 13 का शानदार आगाज हो चुका है, लेकिन शो की शुरुआत में ही सेलेब्स के बीच टकरार का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल आज के एपिसोड में पारस और आसिम के बीच बेहद जबरदस्त फाइट होने वाली है। बिग बॉस के अपकमिंग एपिसोड में दिखाया गया है कि कश्मीर से आसिम कहते हुए नजर आएंगे कि ये पंजाब की लड़की है, मैं जम्मू का लड़का हूँ। जिसके बाद बाकी के मेल कंटेस्टेंट्स आसिम पर चिल्ला पड़ते हैं। सिद्धार्थ दे कहते हैं कि वोट लेने के लिए बार बार ऐसा बोल रहा है। उसके बाद पारस भी आसिम की इस बात पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या लगा रखा है, मैं जम्मू कश्मीर। पारस की ये बात सुनकर आसिम भी बौखला उठता है और कहता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जहाँ से मैं आया हूँ। इसके बाद पारस कहते हैं कि इसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जम्मू कश्मीर से पहली बार आके एक लड़के ने। दोनों की बहस बढ़ती चली जाती है। पारस की बातें सुनकर आसिम कहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसके बाद पारस आसिम को कहते हैं कि तू रेसिस्ट है। दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। कहना गलत नहीं होगा कि दोनों के बीच एक दिन में ही दो बार झगड़ा हो चुका है। फिलहाल ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिस तरह सलमान ने कहा था कि इस बार का शो वाकई में फास्ट फॉरवर्ड है, तो तभी तो शो में एंट्री करते ही इतने बड़े मुद्दे को लेकर घर में बवाल मच गया है। लगता है मेकर शो की टीआरपी के लिए अभी से घर में विवाद शुरू करना चाहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि पिछली बार का सीजन टीआरपी में फ्लॉप रहा था, यही वजह है कि सीजन 13 को पहले दिन से गरमाया जा रहा है। खैर, आसिम और पारस की ये लड़ाई आगे क्या मोड़ लाती है, वाकई में ये देखने वाली बात होगी। वेल, देखना तो ये भी दिलचस्प रहेगा कि सलमान खान वीकेंड के वार पर पारस और आसिम में से किसकी बैंड बजाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, दोनों में से किसकी गलती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ। लेकिन उसके बावजूद ये 3 महीने तक चलने वाला है लगातार, जैसे कि हर सीजन चला है, और 3 महीने तक मैं इनके साथ ही हूँ। और पता नहीं किसी ने बीच में मिसकम्युनिकेशन कर दिया था एक प्रोमो देख के, इट्स ओनली देयर फॉर 4 हफ्ते के अंदर फिनाले आएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो प्रोमो था कि एक उसके अंदर प्रोमो के अंदर यह था कि 4 हफ्ते में एक फिनाले आएगा, उसका एक ट्विस्ट आएगा। सो ये 4 हफ्ते वाला चक्कर है क्या, थोड़ा सा विस्तार में? 4 हफ्ते में फिनाले तो हो रहा है, लेकिन ट्विस्ट अगर मैं आपको बता सकता तो फायदा क्या है। ये बोल रहे कि आप वो पिक्चर का क्लाइमैक्स अभी बताने, हाँ अभी थोड़ी है। तो एक बार क्लियर हो जाए यहाँ पर कि 29th को ये हम सब खोल देंगे, ये शो लॉन्च हो जाएगा एयर पे, और उसके बाद 1 महीने के अंदर फिनाले, और उसके बाद 2 महीने के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ट्विस्ट एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड टर्न्स, यानी के ऑल 15 हफ्ता कंप्लीट सीजन इज गोइंग टू बी फास्टर देन दिस ट्रेन जर्नी। सो इट्स ऑल अबाउट स्पीड, इट्स ऑल अबाउट रफ्तार दिस सीजन। इट्स ऑल अबाउट रफ्तार, इट्स ऑल अबाउट। यू आल्सो गोइंग इन? नो। सलमान सर, हमने सुना था कि यू नो ये सना पिछले एक सीजन में थी, सना। या Do we expect her again into the house? Don't be silly. Once in the house and out of the house will never accept her back in the house. We have other people, very good people to go into the house this time, even better than you, Sana. What about Pooja? Lekin no, Pooja aa sakti hai. आ सकती हूँ पर मैं आ नहीं रही हूँ इस बार, तो नहीं आ रही हूँ, पता नहीं कभी नेक्स्ट टाइम। बट इस बार तो मैं सबको चीयर अप करने आई हूँ, सबको ऑल द बेस्ट, गुड लक विश करने आई हूँ। इतने पैसे मांगे होंगे तुमने कि बिग बॉस कुड नॉट अफोर्ड इट, कलर्स कुड नॉट अफोर्ड इट, ये तो मैं बोल, मेरा भी प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन माय एसोसिएशन हैज बीन लाइक 10 इयर्स, आपके बिना वो करेंगे नहीं ना। पर हाँ, तो इनका रीजन तो हम जान गए, अर्जुन बताएंगे आप क्यों नहीं घुस रहे हो। सर बाहर ज्यादा कमा जा रही है। नहीं, मैं घुस इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि बहुत डर लगता है सर मुझे।
और आपके साथ खड़ा हूँ, जैसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर के दर्शन हो गए मेरे ऑलरेडी। अरे जब मैं वहाँ पर मंच पे खड़ा होता हूँ ना, स्टेज पे खड़ा होता हूँ, मुझे डर लगता है। और इस बार ये सीजन 13 नहीं है, 13 क्योंकि अनलकी नंबर है। किसने दिमाग में डाला इन कलर्स वालों के 13 अनलकी नंबर? मेरा हर अच्छा काम 13 को ही हुआ है, तो इन्होंने टेढ़ा कर दिया। अब जो कंटेस्टेंट्स जाएंगे है तो सब सेलिब्रिटीज़, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने टेढ़े सेलिब्रिटीज़ होंगे कि मुझे हैंडल करने में इस बार दिक्कत होगी। सर टेढ़े नहीं होंगे तो अंदर जाके बन जाएंगे टेढ़े सर। तो क्योंकि मालूम क्या है, क्योंकि सब लोग इतना काम करते हैं बाहर, अपना काम छोड़ के घर पे बैठते ही नहीं है। जब वर्किंग और कभी डिनर्स, कभी सोशल मीडिया, ये पोस्ट वो पोस्ट, डेट्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह। अब घर के अंदर अगर कोई भी घर के अंदर बैठे वो बोर हो ही जाता है। तब तक आप काम नहीं करो, बाहर नहीं जाओ, यू जस्ट गेट इन योर माइंड, क्या बोलते हैं ना, दिमाग ख़राब हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और यहाँ पर ना फोन, ना पेपर, ना टाइम का समय, टास्क, और फिर एक ही घर के अंदर चुगलियाँ, बिचिंग वगैरह दैट। और ये होता है ना कि हमने बाहर, जैसे कि आप रहती हैं लोखंडवाला में रहती हो, मैंने आपसे आपके बारे में मैंने बांद्रा में कुछ बोला, तो जब तक आपको पता चलेगा कुछ टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर जैसे आपने बोला है फट से दूसरे कमरे में पता चल गया, तो फाइटिंग न्यूज़ जल्दी पक जाती है वहाँ पर। जी करेक्ट, तेज़ रफ्तार से क्या बोले आप यार, रफ्तार का बहुत बड़ा फैन है। मैं रफ्तार का बहुत बड़ा, हाँ, क्योंकि पूरे रात ये रफ्तार रफ्तार भाई है। ये सीजन जो है हमें कहा गया है कि ऑल अबाउट रफ्तार, ऑल अबाउट दी एक्सप्रेस, क्योंकि ये सेलिब्रिटी एक्सप्रेस है। लेकिन इस बार एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, एक ब्यूटीफुल इंसान के रूप में बुला लेता हूँ। यस, आ जाओ मेरी मीना। कुमारी एक्चुअली, क्योंकि मैं रोती रहती हूँ, क्योंकि ये मुझे रुलाते रहते हैं। तो आजकल आप इनके फिटनेस वीडियोस, व्हाट, हाउ फिट आर यू गेटिंग? माय गॉड, इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, यू आर द ट्रेंड सेटर सलमान। थैंक यू, तो वी डू पुश अप्स एंड फिंगर्स विद ओनली, आई विल गेट ऑन टॉप ऑफ यू, लेट्स सी इफ यू कैन टेक माय वेट। आपके भी वीडियो देखे, आप भी किसी को उठा ही रहे थे, तो मुझे उठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रॉन्ग थिंग्स यू आर सेइंग ऑन स्टेज। डू आई लुक हैवी गाइस? Salman Khan can lift me, right? Of course. Then? Of course. कैसे मैं आऊं? दिल रजामंद है। आजा, 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 बैंड बाजा लेके आजा। तेरी याद सताए दूल्हे राजा, अब तो आजा। या मेरा कोई ख्याल रखो। एक मलमल वगैरह दे दो, मुझे पसीना आ रहा है। You're so hot कि हमको गर्मी हो रही है। सी सलमान की आदत है सबकी तारीफ करके उनको अपनी तरफ। इंट्रोड्यूसिंग माय मेकअप आर्टिस्ट राजू, गिव मी अ सेकंड। मेकअप आर्टिस्ट कम क्राउड कंट्रोलर हो गए थे राजू। सी अमिशा, यस, यू हैव टेकन द एसी बजट आल्सो फ्रॉम द कलर्स पीपल। या पीपल नो आई कीप फीलिंग कोल्ड, आई हैव दिस हैबिट, सो यू हैव टू कीप इन माइंड। आई एम वेरी हैप्पी विद दिस टेंपरेचर एक्चुअली। With so many celebrities on stage, is getting hot in here. And Amisha, sir, nahi, sir, nahi. Well, sir, main puchna chahta hu ki kya Amisha ko hum expect kar sakte hain ghar ke andar? I would love to accept Amisha in the house. But that's a surprise. Am I going into the house? Not going into the house? Kuch to dhamaka hone wala hai. Gadar zarur machayenge. Aur ek अलग ही अवतार में मैं आ रही हूँ, और 29th को ट्यून इन एट 9 o'clock टू नो द सीक्रेट। आई एम डाइंग, आई एम वेटिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सस्पेंस यू क्रिएटेड अमिशा, आई एम, ओह माय गॉड, अभी से मैं टीवी ऑन रखता हूँ। स्टॉप टीजिंग, कलर्स टीवी अभी से ऑन रखता हूँ मैं। With this, I would like to thank Arjun, Sana and Pooja. Thank you so much for joining us. I'm going to call you back for a small little game that we're going to play, but in a short while. So thank you. Request to take the hot seat of the big boss. Thank you, Salman. Special. Are you going to ask anything? We'll play a small game in a little while, but first Amisha is with Amisha. Amisha hai, to Amisha ke love saan. Playing games. Yes. Amisha. Yep. Humne
सर से तो जान लिया कि क्या क्या होने वाला है घर के अंदर, पर सर से जान लेते हैं कि इनका किरदार क्या होने वाला है, कौन सा अलग रोल प्ले करोगे आप इस सीजन सर? देखो मैं तो इस बार आई एम रियली रियली एक्साइटेड सीइंग यू हियर मनीषा. अमीशा मनीषा इज देयर. मनीषा ही इज सो एक्साइटेड ही गॉट द नेम रॉन्ग. अमीशा. नो आई वाज लुकिंग एट हर.